तो ये देखिए दोस्तों, पानी का टैंकर है भाई, पानी लेकर के आए हैं। और ये देखिए यहाँ पे भरते हैं। देखिए ये भाई कहाँ से हो, ये देखिए 2 रियाल में पानी भरते हैं। ये हस घर का ड्राइवर सब है। देखिए कितने का भरते हैं भाई? 2 रियाल में भरते हैं। ओ कहाँ से हो भाई साहब? अच्छा, ये बोतल में 2 रियाल का है। ये देखिए दोस्तों, ये टैंकर है, चलाने में भी आ सकते हैं, पैसा अच्छा खासा है। देखिए इस तरीके से आता है और ये भाई 2 रियाल में भरता है सऊदी अरब। कहाँ से हैं आप? बांग्लादेश। मेरे को मत उड़ाना यार, मेरे फोटो काट दे। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। कहाँ से है वो? अरे ना करे तो डब्बा तो नहीं है यार। ये देखिए 2 रियाल में जो है भाई भर रहा है। और ये हजरत भाई का रूम है, देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है रूम में भाई भर के जाता है, 2 रियाल लेता है, देख सकते हैं। ओ हजरत, ये देखिए नफीस भाई है जो आप लोगों को कल बताया था जानकारी। तो भाई ये आप अगर आते हो बाहर तो इसी तरीके से जो है 2 रियाल में पानी भर के जाएगा आपको। और टैंकर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्त का टैंकर जो है, ये देखिए इस तरीके से टैंकर आता है और 2 रियाल में भर के जाता है। है ना भाई? लग रहा है यूपी से हो, बहुत शर्मा रहे हो। हैं यूपी से हो? यूपी कहाँ हो? लखनऊ? आपके गांव का आदमी हो, कुछ कहो ना यार। ये देखिए भाई जा रहा है। तो भाई ये जो है मसला है, ये 2 रियाल में जो है भरता है भाई साहब। ऐसा है सिस्टम इसका। तो हजरत भाई आप कितना रियाल में भराए हैं 3 बोतल? ये 6 रियाल का हुआ। 6 रियाल का? 2-2 रुपये का, 6 रुपये ना 3 बोतल पड़े तो 6 रुपये। मतलब इंडिया का कितना क्या हो गया ये पानी? जोड़ लीजिए ना, 19 के हिसाब से जोड़ लीजिए, कितना हो गया? जोरो जोरो बताओ। 18, 9, 36, 57। मतलब सब 57 रुपीज़ इंडिया का हो गया 3 बोतल पानी का भाई। 57 रुपीज़ इंडिया का पकड़ लो, मतलब 50 और 7 पकड़ लो। ये सऊदी अरब का जो है इतना पड़ जाएगा। देखिए भाई का रूम है, देखिए यहीं पे जो है रूम सब, देखिए इस तरीके से होता है। एक भाई सोया हुआ है, ठीक है। नफीस भाई का रूम है, देखिए रहता है लेकिन खाली जो। और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हजरत भाई दोस्त से बात कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए भाई जो है इतना भर भर के रखते हैं। इस तरीके से जो है भरना पड़ता है, मतलब आप भर के रख सकते हैं, मतलब ये जितना अपन महीना, मतलब 10-15 दिन भर के रख सकते हैं। देखिए 10-15 दिन तक का भर के रखा है नफीस भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है खाना पीना अपना सेटिंग करके रखे हैं। अगर आप आओगे तो इसी तरीके से जो है सब सेटिंग रहेगा, नहीं रहेगा तो ये सब फ्री में मिल जाता है। टेबल सब देख रहे हैं और ये फ्रिज व्रिज जो देख रहे हैं ये सब मालिक देता है। तो ये होता है हाउस ड्राइवर का रूम। और ये देखिए पंखा लगा हुआ है, मान लेते हैं AC भी लगा हुआ है, देख सकते हैं AC सब है ना। तो AC में जो है गर्मी यहाँ पर ज़्यादा रहता है तो AC भी देता है यहाँ पर जो है मालिक लोग, ठीक है। और ये देखिए पंखा जो है, पंखा भी दिया हुआ है। और ये भाई का थोड़ा रूम जो है नई सेटिंग हुए हैं ये, ठीक है। ये है नफीस भाई जो आपको कल जानकारी दिया था पूरा डिटेल्स। और आज कुछ और बताएंगे आपको जो है, आप लोग कुछ आप लोग का जो कमेंट आ रहा है उसका जानकारी हम पूछेंगे। नफीस भाई, नफीस भाई का रूम है और हजरत भाई का रूम तो आप लोग देखे होंगे भाई। आप लोग रूम दिखाएंगे ना, आप अपना दिखाए हैं? हाँ हाँ, अच्छा। तो आपका अभी भाई लोग जो सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो लोग जो कमेंट करते हैं तो उनका जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? देते हैं, थोड़ी थोड़ी की परेशानी है तो इसीलिए कम देने पर देने कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, और कल भाई मैं कमेंट किए हैं कि भाई हम सऊदी अरब आना चाहते हैं। हाँ हाँ, दिल्ली में इतना ही डिफरेंस। देखिए अभी तो कोई वीजा इशू नहीं है, जैसे वीजा इशू होने लगेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि हाँ। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आपका काम खत्म हो जाता है तो नफीस भाई के रूम पे आ जाते हैं आराम से? चार जैसे ये पौन भी अभी तो नहीं है, सफीक भाई, रफीक भाई, हम चार आदमी रहते हैं। और यही रूम के अंदर टॉयलेट विलेट सब होता है क्या? टॉयलेट बाथरूम? अच्छा, ये टॉयलेट है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से दिख रहा है टॉयलेट, ठीक है। तो ये नफीस भाई का रूम का टॉयलेट है। तो इस तरीके से किसी किसी का बाहर भी होता है, जैसे कि इस तरीके में साइड में होता है, नहीं तो जैसे कि इस तरीके साइड में होता है। बहुत छोटा, ये तो बहुत बड़ा है, देख सकते हैं कितना बड़ा है, ठीक है। तो हजरत भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आप दोस्त लोग को कुछ जानकारी? आने वाले का सिम देखिए, जब यहाँ पे आने के लिए सिम कहाँ लेना पड़ेगा? हो
तो पहले आपको आईडी प्रूफ बनने के बाद एयरपोर्ट में मिलता है पासपोर्ट पे, जैसे आप लिए हैं बतलाए। हाँ तो भाई आप हमको ये बताइए कि आप ये सिम कार्ड कहाँ लिए थे? देखिए एयरपोर्ट पे भी मिलता है, बाकी एयरपोर्ट वाला थोड़ा आपको पासपोर्ट पे मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम दुबई जाएं या कुवैत जाएं या सऊदी जाएं, कहाँ जाएं? देखिए आपके हिसाब से सऊदी अच्छा है कि कैसा? सऊदी अरब में ज्यादा, हम सऊदी अरब के बोलते हैं, सऊदी अरब में जैसा नियम है अच्छा है, बस आपको 2 साल रुकना पड़ता है। अगर मेहनत करेंगे तो फसल तो खुद आपको मिलेगा, जैसे मेहनत करेंगे तो खुद देख रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। तो सऊदी अरब आपके हिसाब से अच्छा है? अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सही है, और यहाँ कोई भेदभाव जो होता है नहीं है, इंसानियत। और आपका डेली का क्या काम है? डेली काम क्या है, गाड़ी साफ करना, अपना गाड़ी चलाना। अभी तो मेरा नॉर्मल ड्यूटी है नहीं, 4-5 दिन हो गया। और आपका 2 साल हो गया? 2 साल को 2.5 साल होने वाला है। अच्छा, घर कब जाएंगे? बस इंशाल्लाह ये 4 महीने में जाने वाला, मई में। तो घर जाने के लिए आपको जो है टिकट कफिल ही देगा सब कुछ? आने जाने का खर्चा कफिल देता है। साल भर में जाएंगे तो एक वो देगा, एक आपका लगेगा, मतलब फ्लाइट पहला बार 2 साल रहना है पड़ता है। फ्लाइट का आपका टिकट कफिल आपको मालिक देगा जाने के लिए और आने के लिए। कितने महीने का छुट्टी लेके जा रहे हैं? अभी तो मैं 3 महीने को बोला है, मैं 4 महीने का, अभी देखो अभी फ्लाइट चालू नहीं, तो उसी हिसाब से अपना छुट्टी लगा के जाएंगे। अपना ज्यादा रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, फ्लाइट अगर बंद हो रहे तो। मई में हम जाएंगे, कहीं मई में खुल जाए तो 3 महीने के अंदर में। अरे दोस्त आप जो है अभी पानी भराए हैं तो भाई लोग को दिखाए कि 2 रियाल में कितना बोतल पानी देता है, ठीक है? 10 लीटर। और आप भी जो भी जानकारी बताए भाई लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे जल्दी बता दीजिए भाई लोग को। तो भाई लोग वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, चैनल जाकर सब्सक्राइब जो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के दबा के ऑल पे कर लीजिए, जब भी मैसेज सऊदी के बारे में बताए।